कानों में घंटा लटका के रखता था, इसलिए कहीं भगवान का मंदिर हो, कथा कीर्तन हो तो घंटा बजा के चलता था, भगवान की कथा कान में न घुस जाए। कहता था हम शंकर जी के भगत हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे, शंकर जी का ही नाम कान में घुसे, दूसरे का नहीं। ऐसा विचित्र भगत था। शंकर जी से बोला महाराज हमको मोक्ष दे दीजिए। शंकर जी बोले मोक्ष के स्वामी तो भगवान, उनके पास जाओ। वहां गया और भगवान ने कृपा करके तत्व का उपदेश किया, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवा, या घंटाकर्ण शिव हमारा हृदय है और मैं शिव का हृदय हूं, तुम भेद क्यों मानते हो। उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। आज भी घंटाकर्ण का मंदिर बद्रीनाथ के परिसर में है। बोले महाराज मुझे आप अपना पार्षद बना लीजिए, आपको जो भोग लगे वो प्रसाद और चरणामृत हमें प्राप्त हो। तो आज भी बद्रीनाथ भगवान को भोग लगता है तो प्रसाद चरणामृत आज भी घंटाकर्ण को प्राप्त होता है। देवी जी के भक्त श्री पीपा जी, इनको देवी जी ने भगवान का भक्त बना दिया। तो अब इससे एक बात प्रमाणित हो गई कि नहीं, कि चाहे गणेश जी का भक्त हो, चाहे देवी जी का भक्त हो, चाहे श्री सूर्य नारायण का भक्त हो, चाहे भगवान शंकर का भक्त हो, ये सब भी भगवत स्वरूप ही हैं। ये सब भगवान के परम प्यारे पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रधान अंग हैं। अंग का तिरस्कार अंगी का तिरस्कार होता है, इसलिए पंच देवता ये सब भगवान के स्वरूप हैं, ऐसा मानकर उनकी बिना भेदभाव के उपासना करनी चाहिए, पंच देवोपासना करनी चाहिए, हमारा सनातन धर्म बताता है। लेकिन ये पंच देवता भी मिलकर परम आराध्य श्री रामकृष्ण की उपासना का ही निर्देश करते हैं। पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो, पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो, प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को भावो, सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो, श्री राम भयोति भक्ति की सीवा, गुण असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा, परसी प्रणाली सरस बही सकल विश्व मंगल कियो, पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। श्री पीपा जी महाराज की। आगे पीपा जी का चरित्र भगवत कृपा से हम कल करेंगे। मनु जी का किस हेतु को लेकर पीपा जी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ आज उसका विवेचन किया गया। कल आगे का चरित्र हम यथामत यथा समय ठाकुर जी की प्रेरणा से सुनाएंगे। आरती करें। गोविंद जय जय राधारमण हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय।
रसिकेश श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय सीता रमण राम रघुनाथ जय जय सीता रमण राम रघुनाथ जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा सहचरी जी के रूप से वे धराधाम पर पधारे। भक्त भगवंत गुण कीर्तन में पूज्य श्री भक्तमाली मामा जी महाराज ने भी बहुत सुंदर भूमिका दे करके पीपा जी के स्वामी जी के चरित्र में यह बात लिखी है। भगवान ने आज्ञा दिया, भिन्न भिन्न कुल जाति में लो सब मिल अवतार, दे दे उत्तम प्रेरणा करो जीव भव पार। कौन कौन प्रकट हो? बोले गुरु वशिष्ठ महिमा अति भारी, श्री वशिष्ठ महिमा अति भारी, श्री राघवानंद तन भारी, श्री राघवानंद तन भारी। श्री गुरु वशिष्ठ जी राघवानंद जी के रूप से प्रकट हो, राम जी के गुरु। अब मैं यतिराज रूप में अवतार ग्रहण करूंगा तो मेरा गुरु कौन बनेगा, दीक्षा कौन देगा? तो हमारे शाश्वत गुरु वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ जी ही राघवानंद स्वामी जी के रूप में अवतार ग्रहण करें। प्रगट हो काशीपुरी मझार, प्रगट हो काशीपुरी मझार, करें गुरु सब की सार संहार, करें गुरु सब की सार संहार, भक्ति में सबको दें अधिकार, भक्ति में सबको दें अधिकार। नाभा गोस्वामी जी ने राघवानंद जी के संबंध में लिखा है, चार वर्ण आश्रम सबहि को भक्ति दृढ़ाई, पत्रावलंब पृथ्वी करी वा काशी स्थाई, चार वर्ण आश्रम सबहि हरि भक्ति दृढ़ाई। और गुरुदेव का सिद्धांत ही शिष्य के अंतःकरण में आविर्भूत होता है, उतरता है। श्री राघवानंद स्वामी जी के सिद्धांत को ही वैष्णव मताब्ज भास्कर नाम के ग्रंथ में श्री रामानंद स्वामी जी ने उद्घोषित किया, सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मता, सृष्टि के सभी जीव ब्राह्मण से लेके चांडाल तक अंत्यज म्लेक्ष आदि पापयोनियों में जन्म लेने वाले जीव भी भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। कहां तक कहें, यहां तक ग्रंथों में लिखा है कि वैष्णव का कर्तव्य है अपने निकट रहने वाले पशु पक्षियों को भी अवैष्णव न रहने दे, घर को अवैष्णव न रहने दे, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसिका वृंद तहां देख रसिक। घर वैष्णव है, घर पर ऊर्ध्वपुंड बना है, शंख चक्र धनुष बाण बने हैं, तिलक बना है, तुलसी का बगीचा है, वो घर वैष्णव है। वस्त्र में भगवान नाम है, पवित्र चिन्ह है, तो वस्त्र की वैष्णवता, यहां तक कि पशु और पक्षियों को भी अवैष्णव न रखे, उनको भी वैष्णव बनावे। ऐसे महात्मा देखे गए हैं, घर में गैया ब्याई तो अभी उसका नालो छेदन नहीं हुआ, चाहे बछिया डारे चाहे बछड़ा, पहले जाके उसके दाहिने कान में नाम सुना दिया। अरे भाई नाम सुनाओ, नाम सुनाओ, नाम सुनाओ, नाम सुना दो, ये तो जन्म संस्कार है, चरणामृत देव नाम सुनाओ। और कहीं वैष्णव के घर का कोई जीव शरीर छोड़ने लग जाए तो ये संसार के स्वार्थी लोग अपने पूर्वजों की पिता की संपत्ति पर तो लड़ते झगड़ते हैं, पर वो मरने लग जाए तो उसके कल्याण की चिंता इनके चित्त में नहीं होती। धन की चिंता होती है, हमारे बाप का कल्याण हो जाए, हमारे बाबा का कल्याण हो जाए, ये चिंता इनके चित्त में नहीं होती। और महात्मा ऐसे होते हैं, इनके यहां कोई पक्षी अथवा कोई पशु
वो रुग्णावस्था में चला जाए, मृत्यु के निकट पहुंच जाए, तो वे द्रवित होकर उसके कल्याण का चिंतन करने लग जाते हैं। हमारे चंद्र सरोवर गौशाला में बाबा जब सावधान थे, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी, तो कोई गौ माता बीमार हो जाए, अब देखा है डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है, तो बाबा ब्रजवासी बालकन को लेकर जाते, दीपक जला के कीर्तन करते, गिरिराज जी का स्नान करा के शिला जी का, उसको चरणामृत तुलसी दल और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, जब तक गौ माता शांत नहीं हो जाती तब तक कीर्तन करते, इसके बाद अपने हाथ से उनका संस्कार कर। ये क्या है? सुहृदस सर्वदेही नाम प्राणी बात करके सच्चे है तैसे। खाक चौक में एक गैया भगवत धाम जाने की तैयारी में थी, अपने राम महाराज जी के चरणों में थे, तुरंत महाराज जी की खबर गई, आओ आओ भाई गौ माता जा रही है, इनको सुनाओ गीता सुनाओ। कान के पास कंबल बिछा दिया, बोले खूब बढ़िया प्रेम से गीता सुनाओ। और महाराज जी मंदिर से ठाकुर जी शालिग्राम जी गिरिराज जी का चरणामृत तुलसी दल उसके मुंह खोल खोल के दे रहे हैं। अरे राम राम, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करी आने, बड़ी सेवा करी, जा जा मैया गोलोक धाम, जा जा गोलोक धाम जा। उसको पिला रहे चरणामृत तुलसी दल प्रसाद और गीता पूरी सुन लिया, विष्णु सहस्त्र नाम, बोले विष्णु सहस्त्र नाम सुनाओ। विष्णु सहस्त्र नाम सुनाने लगे, जैसे सर्व प्रहरणा युद्ध ओम नम इति आया, गौ माता ने देह विसर्जन कर दिया, महाराज जी की गोद में मस्तक है गौ माता ने। वाह गई गोलोक, गई गई, ले जाओ संस्कार करो जमुना जी, ले जाओ। यही कारण है कि श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने एक स्तोत्र में भगवान से प्रार्थना की है, भक्ति से विमुख ब्रह्मा का लोक हो तो हे प्रभु मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, किंतु किसी वैष्णव के घर की नाली का कीट हमें बना देना। क्यों? वे वैष्णव अपने घर की नाली के कीड़ों का भी परम कल्याण सोचते हैं, वहां रहकर भी हमारा हित हो जाएगा। क्या हित होगा? बोले वे वैष्णव भोग धराएंगे, अब भोग आपका अधरामृत प्रसाद, फिर वे वैष्णवों को जिमाएंगे, वैष्णव कुल्ला करेंगे, जूठन धोएंगे, जूठी थाली तो धोएगी, तो चरणामृत अधरामृत और थाली का प्रसाद सब नाली के कीट के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा और हम कृतकृत्य हो जाएंगे। यहां तक प्रार्थना की गई। तो सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मता, ज्ञानवान मनुष्य तो अधिकारी है ही है, पशु पक्षी भी भगवान का नाम दान प्राप्त करके वे भी कृतार्थ हो जाएं, ऐसी भावना वैष्णवों में रहती है। ब्रह्मा जी तो प्रगटेंगे प्रच्छन्न छन्नु पंडित है के, काशी में निवासवा करेंगे शरणागति, नाम शरणागति में होवे गो अनंतानंद। ब्रह्मा जी अनंतानंद जी के रूप से प्रकट होंगे। द्वादश परस सबकी मति रहे प्रेम पागति, धर्मराज होंगे चर्मकार परिवार में, रैदास लावे वृत्ति भक्ति अनुरागति। धर्मराज यमराज चर्मकार कुल में प्रकट होकर के रैदास जी के नाम से प्रसिद्ध होकर के भागवत धर्म का प्रचार करेंगे। पलेंगे प्रहलाद यवन कुल में कबीर हुए के, साक्षात श्री प्रहलाद जी कबीर बाबा के रूप से प्रकट होंगे, यवन कुल में पालित होंगे, और इनको जगावे स्वयं सुरति रहे जागती, प्यारे रिपुसूदन बने कृष्ण दास पयोहारी, अगणित को वैष्णव बना जीवन दे सुधारी। श्री शत्रुघ्न जी महाराज भी प्रकट भय हैं श्री कृष्णदास पयहारी जी के रूप से, शत्रुघ्न जी महाराज भी भक्त भक्ति करने के लिए प्रकट भय हैं। ये श्री अग्र स्वामी जी और कील स्वामी जी के गुरुदेव श्री पयहारी जी महाराज। जाके सिर पर हाथ धरे वो जाके सिर पर हाथ धरे वो आवो पर नहीं भव फंद, आवो पर नहीं भव फंद, हरन भव फंद और जगबंद, प्रकट भय स्वामी रामानंद, हरन भव फंद जगद्वंद, प्रकट भय स्वामी रामानंद, आनंद हो सुर सुरानंदा, नारद हो सुर
असुरानंदा भक्ति प्रचार हरे दुख द्वंदा भक्ति प्रचार हरे दुख द्वंदा त्रिलोचन भोले सुख आनंद त्रिलोचन भोले सुख आनंद त्रिलोचन शंकर भगवान सुखानंद के रूप में प्रकट होंगे जनक जी होंगे भावानंद जनक जी होंगे भावानंद व्यास नंदन श्री गालवानंद व्यास श्री गालवानंद व्यास नंदन माने श्री सुखदेव जी महाराज ये श्री गालवानंद स्वामी जी के रूप से प्रकट होंगे स्वामी जी के शिष्यों में पीपा प्रकट होंगे स्वयंभुव मनु पीपा नाम राजा होंगे प्रकट होंगे स्वयंभुव मनु सीता सतरूपा संग करुणा बरसावेंगे भीष्म होंगे सेन भक्त प्रगटे हजाम कुल में राजा हो प्रजा में प्रभु प्रेम प्रगटावेंगे बलि होंगे धर्म ही ते भक्त बोले बिना जीव के अन्न उपजाएंगे कपिल मुनि योग स्वामी कह के ख्यात होंगे बात बात में भूत ब्रह्म को भगावेंगे श्री हरि नर श्री नर हरि आनंद सनकादिक ब्रह्म कुमार मुक्त हस्त वितरित करें भक्ति ज्ञान भंडार दोष कलेश विसार भक्त जन पावे परमानंद कलेश विसार भक्त जन पावे परमानंद भक्त जन पावे परमानंद भक्त जन पावे परमानंद हरण भव फंद हरण दुख द्वंद प्रकट भय स्वामी रामानंद प्रकट भय स्वामी रामानंद। कल विवेचन किया जा चुका था श्री मनु महाराज और शत्रुपा जी ही श्री पीपा प्रताप राय इनका पूरा नाम है श्री पीपा प्रताप राय ये इस रूप में प्रकट भय और श्री शत्रुपा जी सीता सोलंकिनी के रूप से प्रकट हुए। पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो 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 प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो सत्य कहो ही सत्य सुदृढ़ हरि शरण बतायो सत्य कहो ते सत्य सुदृढ़ हरि शरण बतायो श्री रामानंद पद पाय भयो श्री भक्ति की सीवा पद पाय भयो भक्ति की सीवा गुण असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा परसि प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो परसि प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो पीपा प्रताप
जग वासना नाहर को उपदेश दियो पाप ताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। श्री भक्त प्रवर पीपा जी का प्रताप संपूर्ण संसार के लिए वासना शब्द का कोश के अनुसार एक अर्थ घृत भी है। जैसे घृत सबको शक्ति देने वाला होता है, ऐसे ही श्री पीपा जी का प्रताप उनके ज्ञान का, उनके वैराग्य का, उनकी भक्ति के प्रताप के द्वारा जगत के समस्त साधकों को विलक्षण आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई, उनके ज्ञान वैराग्य और भक्ति का पोषण हुआ। इसलिए पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। और दूसरा अर्थ है जग वासना, ये आप ऐसे भक्त थे कि जग की वास आपके भीतर नहीं थी। ये जग की वास कितनी भयंकर है, इसका परिचय प्राप्त करना हो तो हमारी श्री करमेती जी से पूछना चाहिए। हैं, करमेती जी से संतों ने पूछा कि सड़े हुए ऊंट के करंक में आप 3 दिन 3 रात तक कैसे रह गई? तो श्री करमेती जी ने कहा, जग दुर्गंध काऊ ऐसी बुरी होती। हे संतो, ये संसार के भोगों में ऐसी विलक्षण दुर्गंध, ऐसी भयंकर दुर्गंध कि उस दुर्गंध से बचाने के कारण दुर्गंध सो सुगंध सी बसाई है। उस विषयों की दुर्गंध से बचाने वाली उस ऊंट के करंख की गंध होने के कारण मुझे तो यह दुर्गंध भी सुगंध के समान प्रतीत भई, क्योंकि ये विषयों की दुर्गंध से बचाने वाली है। आपने नाहर को उपदेश दिया, इसका तात्पर्य है कि ऐसे समर्थ आचार्य, एक सिद्धांत तो यह है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहिं विरंची सम, फूल ही फर ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। गोस्वामी जी का एक सिद्धांत यह है, पर ये सामान्य सिद्धांत है। समर्थ आचार्य, समर्थ महापुरुष, वे जड़ मूर्ख की क्या चल है, वे जड़ पदार्थ वृक्ष आदि इनमें भी प्रेम का संचार कर देते हैं। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी के नाम संकीर्तन के समय सिंह व्याघ्र आदि भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाते। वर्तमान में श्री कात्यायनी जी का चरित्र है, जिनके संबंध में मार्ग जात अकेल गान रसनाज उचारे, ताल मृदंगी वृक्ष रीज अंबर तह डारे। और महाराज कात्यायन के प्रेम की बात जात कापे कही, वृक्षों से मृदंग आदि की ध्वनि आने लग जाती थी, वृक्ष भी भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाते। ये समर्थ आचार्य, समर्थ संतों की महिमा है। तो ये जो भोग योनि में पड़े हुए भयंकर तमोगुणी नरभक्षी सिंह को प्रेम दान दे सकते हैं, भक्ति का दान कर सकते हैं, उपदेश देकर कृतार्थ कर सकते हैं, उसे भागवत धर्म का आश्रयी बना सकते हैं, वे किसी मनुष्य पर कृपा कर दें, तब तो कहना ही क्या। तो नाहर को उपदेश दियो, ये बात कहकर ये प्रमाणित करना चाहते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, जो परम तमोगुणी हिंसक वृत्ति वाले नरभक्षी सिंह के ऊपर कृपा करके उसे साधु बना सकते हैं, फिर कौन ऐसा है जो श्री पीपा जी के चरित्र का आश्रय ले और उसकी दुर्वृत्ति समाप्त न हो जाए। ऐसे ये महापुरुष हैं। प्रथम भवानी भक्त, पहले आप अपने प्राथमिक जीवन में देवी जी के भक्त थे, देवी जी के प्रति आपकी बड़ी भारी निष्ठा, बड़ी भारी भक्ति। प्रथम भवानी भक्त, कल इस संबंध में हमने चर्चा कर की देवी जी की भक्ति क्यों की। तो देखो, नाटक खेलने के लिए जब महापुरुष आते हैं ना, वो सब करके दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रत्येक चरित्र के द्वारा भागवत धर्म का पोषण करना है। तो पहले देवी जी की भक्ति करके उस लक्ष्य तक पहुंच गए, देवी का साक्षात्कार श्री पीपा जी को हो गया और देवी जी की कृपा से अतुलित ऐश्वर्य शक्ति और अनेक प्रकार की सिद्धियां भी श्री पीपा जी महाराज ने प्राप्त कर ली। और वहां तक पहुंचने के बाद भी, और
आपके चित्त को शांति नहीं मिली, जब आपने देवी जी से इस जग जंजाल से मुक्ति का वर मांगा, तो सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। मुक्ति मांगने के लिए जब देवी जी के सामने गए तो देवी जी ने सच्ची बात कह दी, क्या? सुदृढ़ हरि शरण बतायो, भगवान की शरणागति ही जीव के कल्याण का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। हे राजन, भगवान ने हमको जो देने की सामर्थ्य दी थी वह वस्तु मैंने तुम्हें बिना किसी कंजूसी के उदारता पूर्वक प्रदान कर दी। अब कैवल्य के एकमात्र स्वामी तो भगवान श्री हरि हैं, इसलिए इस संसार से निवृत्ति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, दुख में संसार चक्र से छूटना चाहते हो, तो भगवान की शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। पुजाने खाने वाले लोग दंभवश अपनी असामर्थ्य को प्रकाशित नहीं करते हैं। ध्यान पूर्वक सुने, जिनके संबंध में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी में कहा, बहुत प्रीत पुजाए वे पर पूज वे पर थोरी, बहुत प्रीत पुजाए वे पर पूज वे पर थोरी, और बात कहो बनाए बुधजो बर विराग निचोरे, देत सिख सिखयो न मानत मूढ़ता अस मोरी, कैसे देऊ नाथ ही खोरी, एते हु पर तुम्हरो कहावत लाज अचई घोर, निलजता पर रीझ रघुवर देहु तुलसी छोरी, कैसे देऊ नाथ ही। हमारी वृत्ति क्या है कि हमको दूसरे का आदर सत्कार प्रिय नहीं है, हमारा कोई आदर सत्कार करे, हमें माला पहरावे, हमें प्रणाम करे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, पर हम दूसरे का भी इस प्रकार से आदर सत्कार करें ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता। फिर यदि हमारी वृत्ति पुजाने खाने की वृत्ति है तब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं अपने भीतर से कि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमें अपने संबंध में भी संदेह बना हुआ है कि हम पार उतरेंगे कि नहीं, फिर भी हम दूसरों का ठेका लेने के लिए तैयार हो जाते, कोई बात नहीं तुम निश्चिंत रहो हमारे पास आ गए ना हम पार उतार देंगे। बहुत से लोग तो यहां तक कह देते हैं अपने आश्रितों से, अरे तुम्हें भजन करने की क्या जरूरत है, भजन तो हम कर ही रहे हैं, हम साधु महात्मा हैं, भजन कर ही रहे हैं, तुम तो केवल सेवा करो तन मन धन से, कहो किस लोक में तुम्हारा कक्ष रिजर्व करा दें, किस लोक में जाना चाहते हो, सब देवी देवताओं के मंत्र हमारे पास हैं और सब देवी देवताओं को लोक भी हमारे अधिकार में, किस लोक में जाना चाहते हो। पर ऐसे पुजाने खाने वाले गुरु वे न तो अपना कल्याण कर पाते हैं ना आश्रितों का कल्याण कर पाते हैं। हमारे महाराज जी सभ्य भाषा में उनको कहते थे अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य, है तो संस्कृत शब्द लेकिन महाराज जी कहते थे भेंट विदाई लेके चेलों से खुश हो जाएं वे भी आचार्य हैं, पर कौन से आचार्य हैं, अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य, दान दक्षिणा लेके प्रसन्न हो जाते हैं, बस इतने से हमारा काम चल गया। तो महाराज कहते अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य के द्वारा दिया गया उपदेश भी यदि कोई साधक स्वीकार कर ले तो भी उसका कल्याण तो हो ही जाएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा